धनबाद समाहरणालय में जिला परिषद सदस्य के रूप में प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। बलियापुर गोविंदपुर प्रखंड के प्रत्याशी समेत अन्य क्षेत्र के प्रत्याशी निर्वाचन केंद्र पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी के समर्थक अपने प्रत्याशियों को फूल माला पहनाकर मनोबल बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। जिला परिषद सदस्य जिला परिषद पद के लिए प्रत्याशी नाजमी रहमानी और उनके पति जेएमएम नेता एजाज अहमद ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से अगर चुनाव वो जीत जाते हैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में तेजी से विकास कार्यों को अंजाम देंगे और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। सड़क नहीं, जहां तक मैंने जनसंपर्क अभियान में जब भी बाहर गई हूं तो कई लोगों का कहना है पेंशन का नहीं हुआ है अभी तक, मोदी आवास नहीं मिला है, या सड़क नहीं है, शौचालय नहीं है, बहुत सारे काम, शिक्षा नहीं है। मौका मिलेगा तो ये सब काम। जी, मैं विकास की ओर। महिला है, महिला उत्थान के लिए क्या कीजिएगा? महिला हूँ और सहयोग करूँगी, जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं उन सब पे ध्यान दूंगी, उनके लिए काम करूँगी। गोविंदपुर प्रखंड 13 नंबर क्षेत्र से हमारी धर्मपत्नी नाजिश रहमानी चुनाव लड़ रही हैं जिला परिषद के सदस्य के लिए। ये पहली बार चुनाव लड़ रही है, अगला बार मैं लड़ा था, लेकिन इस बार महिला आरक्षण होने के कारण सरकार की गाइडलाइन है और इसी की वजह से हमारी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है।